गाइस, आज हम बना रहे हैं सफ़ेद पेठे की मिठाई, जो आगरा वाले पेठे की मिठाई होती है। सबसे पहले हम पेठे को कट कर लेंगे पीसेस में, उसका ऊपर का पार्ट हटा देंगे और छिलका हटा देंगे। छिलका बीज अलग करके हमने इनको कट कर लिया है। कट करके एक प्रोसेस हमने और किया है, जो मैंने सूप नहीं किया है, वो इन पेठे के पीसेस को फोक से होल करके, ताकि चाशनी अंदर तक जाए, और 2 घंटे के लिए मैंने उसको पानी, चूने के पानी में भिगो दिया है। मतलब 1 चम्मच चूना मैंने 1 से 1.5 लीटर पानी में डाल के चूना उसमें 2 घंटे भिगो के रखा। फिर मैंने उसको धोया अच्छे से वॉश करके। फिर आप उसको क्या करना है, उबालना है 15 से 20 मिनट मीडियम टू हाई पे। उबाल के फिर स्ट्रेनर में निकाल देना। अब स्ट्रेनर में आ गया है पेठा। अब ये 10 से 15 मिनट इसको स्ट्रेन करना, ताकि इसका एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए नीचे। सारा वाटर जब नीचे छोड़ देगा ये, लगभग 10 से 15 मिनट में जितना छोड़े, फिर उसके बाद आप इसको हल्का हल्का पानी रह जाने दो, ताकि हम चीनी इसमें डालेंगे तो वो एक अपना टेक्सचर ले लेगा पेठा। उस पानी को हम बाद में सुखाएंगे। अब इस पेठे में हम शुगर जाने देंगे। जैसे 1 किलो पेठा लिया है तो हम उसकी हाफ शुगर लेंगे। जैसे 1 किलो पेठे में आधा किलो हमने शुगर ले ली है। अब आधा किलो शुगर लेने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसको मिक्स करके कवर करके हम ऊपर से 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके अच्छे से, और उसको रख देंगे ढक के, ताकि ये लिक्विड फॉर्म में बन जाए चीनी हमारी। अब 10 से 15 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे तो ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा लिक्विड फॉर्म में। ये एकदम परफेक्ट स्टेज है इसकी। ऐसा लिक्विड अपने आप बन गया ये, क्योंकि इसमें पानी था पेठे में, थोड़ा बहुत बचा, उसने शुगर को ऐसे लिक्विड फॉर्म में बदल दिया। अब इसको हम रखेंगे गैस पे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और अब इसको चलाते हुए पेठे का पानी सुखाएंगे। और ये लिक्विड हमारा जो बना है शुगर सिरप, ये हमारी गाढ़ी हो जानी चाहिए। और जब तक ये पेठे का पानी भी सूख जाएगा, फिर पेठा बन के तैयार होगा एकदम मार्केट जैसा, बहुत ही टेस्टी, खाने में इतना अच्छा कि बिल्कुल वैसा ही जैसा हम मार्केट से लेके आते हैं। लेकिन हमें एक पेशेंस के साथ पकाना है इसको, ठीक है, जल्दी नहीं करना बिल्कुल भी। हम इसको पकाते जाएंगे, चलाते जाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, लो नहीं करेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे। इसका पानी अपने आप जलता रहेगा और ये शुगर सिरप गाढ़ा होता रहेगा। ऐसे करके लगभग आधा घंटा आपको लग जाएगा। अब इसमें करते रहेंगे हम, तो यहाँ पे सिरप मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा दिखेगा। देखिए, गाढ़ा होने के बाद हम एक बार बीच में चेक कर लेंगे चम्मच से गिरा के कि हमारे पास कैसा सिरप हो गया है हमारा। थोड़ी देर बाद तो वो हमारा हल्का सा मतलब गाढ़ा हो जाना चाहिए। तो ये अभी चम्मच से मैं चेक करके दिखा देती हूँ आपको कि कैसा हमारा सिरप होना चाहिए और कैसा बना है। अब देखो, अभी तक तो ये थोड़े थोड़े झाग आने स्टार्ट हुए हैं। अभी चम्मच से आपने चेक किया तो ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में, अभी इससे थोड़ा गाढ़ा चाहिए हमें, तो थोड़ा सा और पकाएंगे। अब थोड़ा सा पेठा और पका रहे हैं, तो पकाते टाइम चलाते रहेंगे बीच बीच में। और ये अब ये थोड़े झाग और गाढ़ा हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और एक प्लेट लेंगे, ताकि एक्स्ट्रा चाशनी हमारी इस छलनी में से पास होके और सूख जाए एकदम पेठा। 12 से 15 घंटे तक इसको मैंने सुखाया। इसके ऊपर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया छलनी के ऊपर। छलनी के नीचे कटोरी रख दी, ताकि बीच में से गैप रहे और ये चाशनी अपनी लूज़ कर दे, नीचे रिलीज़ कर दे सारी चाशनी, और फिर सूखा एकदम यमी पेठा बन के तैयार हो। अब देखो, यहाँ पे मैंने सारा पेठा सुखा दिया। मैं 3-4 घंटे बाद की दिखा रही हूँ आपको। ये 3-4 घंटे बाद हल्का हल्का सूख गया। अब मैं पूरी 12 से 15 घंटे बाद की भी मैंने सूट किया है, आगे मैं आपको दिखाऊँगी। अब ये पूरा मैंने सारा पेठा 5-6 घंटे हो गए हैं, तब ये हल्का हल्का सूख गया, बिल्कुल यमी बन के तैयार हुआ है। गाइस, बना के ज़रूर देखना। और अब ये 15 घंटे बाद है, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा पेठा। थैंक यू गाइस, बाय।